हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखी वापीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं डिफेंस रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, टेरिटोरियल आर्मी, एसएससी जीडी या डिफेंस रिलेटेड पैरामिलिट्री, कोई भी आसाम पुलिस वगैरह, जो भी कोई भी डिफेंस के रिलेटेड वीडियो हो, मैं सभी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कराता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए साइड में जो बेल आइकन है उसमें भी प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाला है, यानी कि दोस्तों इंडियन आर्मी का जो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा के सिखाने वाला हूं। दोस्तों मैंने एक पहली बार सिखाया था, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में मैं स्लोली बोलता था और दोस्तों वो नया एक्सपीरियंस था, यूट्यूब का बहुत दिन पहला का वीडियो था। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा और एक वीडियो बनाओ जो कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं वो आप लोग को सिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये अगर ऑनलाइन अप्लाई दोस्तों ऑनलाइन की दुकान पे जाके अगर आप करोगे उसमें आप लोग को 150 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को फ्री में वो चीज़ सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं। दोस्तों अगर आप नहीं नया कैंडिडेट हो, अगर आप पहली बार इंडियन आर्मी में अप्लाई करना चाहते हो, तो दोस्तों आप पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आप देख के और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, इंडिया में जितना भी स्टेट है या जितना भी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, सभी का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलने का जो तरीका है यह सब सेम है दोस्तों। इसीलिए इसी वीडियो को देख के आप इंडिया में कोई भी स्टेट से हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट को हो, इसी वीडियो को देख के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा, जो ऑनलाइन अप्लाई होता है ना दोस्तों, वो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हो उसके बाद दोस्तों उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप एक ही बार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक बात दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, जो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वो दोस्तों आपका ज़िंदगी में एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि दोस्तों इंडियन आर्मी में एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन में तो कुछ गलती हो जाता है उसको आप सुधार नहीं सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप उसको सुधार नहीं सकते हो, ठीक है। दोस्तों इसीलिए वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखो, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने वाला हूं दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप बहुत क्लियरली बोलने वाला हूँ, गलती मत करना। और इसका देखने के बाद अपने मोबाइल में खुद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सीखने वाला है इंडियन आर्मी का ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं दोस्तों, अगर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप करते हैं उसका वीडियो मिल जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है दोस्तों, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन इस तरह से इधर से जाके करना पड़ेगा। और दोस्तों जो ऑनलाइन है इसमें आप लोगों को अपना जो ईमेल आईडी, जो ऑनलाइन करते वक्त जो आपने ईमेल आईडी, जो पासपोर्ट आपने दिया था उसको इधर भरना है, ठीक है। ईमेल आईडी इधर भरना है और जो पासपोर्ट है उसको इधर भरना है। तो मैं फटाफट से भर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने भर लिया इसमें दोस्तों अपना ईमेल आईडी भर लिया, उसके बाद इसके अपने पासपोर्ट जो है वो भर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है दोस्तों, ये जो कैप्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो इस कैप्चर को इसमें भरना है दोस्तों। अगर टाइम हो जाए ना कैप्चर तो दोस्तों उसको रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश करके आप लोगों को जो भी कैप्चर आता है उसको इसमें भर लेना है दोस्तों। मैं फटाफट से कैप्चर भी भर लेता हूँ। तो दोस्तों कैप्चर में क्या है, 6510956510958। ओके तो दोस्तों ये हो गया कैप्चर, कैप्चर को होने के बाद दोस्तों इसमें लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन में क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों कैप्चर में शायद गलती हो गया है, 6-3 देना चाहिए था, 6-5 दे दिया। तो दोस्तों गलती हो गया, कोई बात नहीं, लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। आप लोग देख सकते हो मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप लोगों को फॉलो करना है। तो दोस्तों अभी आ जाएगा, थोड़ा स्किप करता, वो आ गया, कोई बात नहीं। ये दोस्तों आ गया है, देखो मैं अभी आ चुका हूँ, ये रिकी वा फ्रीडी देख सकते हो जो मैंने खोला था आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था, ठीक है। तो दोस्तों अभी ऑनलाइन करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आप जिस पोस्ट के लिए, आपका जो एज है, आपकी जो एज के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ना, उसकी उसमें आप लोग को ये अप्लाई का लिंक दिखेगा। जैसे कि ये सोल्जर टेक्निकल का है, ये सोल्जर क्लर्क का है, उसमें ये नर्सिंग असिस्टेंट का है, उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो। और एक बात दोस्तों इंपॉर्टेंट बात देख, तो जो तेजपुर, जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, नौगांव, सुनीतपुर, जिसका भी तेजपुर में होने वाला है ना रैली,
अगर वो अपना नर्सिंग स्टैंड में अगर वो अप्लाई करते हैं ना दोस्तों, तो उसका जो रैली है वो तेजपुर में नहीं होगा, ठीक है, उसका रैली होगा बोंगाईगांव में होगा। अप्लाई तो इसी साइड से हो जाएगा, लेकिन आपका जो रैली होगा वो बोंगाईगांव पे होगा। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो तो आप एक काम कर सकते हो, पहले आप नर्सिंग स्टैंड के लिए अप्लाई कर दो, उसके बाद दोस्तों फिर से आप GD या वगैरह जो भी जिस पोस्ट में जाना चाहते हो उसके लिए आप अप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों जगह पे आप जा सकते हो। तो दोस्तों मैं फाइनली अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं। दोस्तों मैं कौन सा पोस्ट पे अप्लाई करके दिखाऊं, तो दोस्तों कोई भी सभी पोस्ट पे आप अप्लाई करो, उसका प्रोसेसिंग सेम है दोस्तों। मैं अभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके देखता हूं, ठीक है। इसमें आप लोग का अप्लाई का जो बटन है साइड में, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके साइड में जो बटन है अप्लाई का, उसमें आप क्लिक करना है सिंपली सा, ठीक है। तो सिंपली सा क्लिक करते ही आप लोग को शायद मैंने अप्लाई जो रजिस्ट्रेशन किया था मैंने ये ज़्यादा काम दे दिया, इसी की वजह से GD नहीं आ रहा है इसमें शायद। तो दोस्तों उसमें आ गया है इस टाइप से, तो दोस्तों आप देख सकते हो आप लोग। उसके बाद दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन है इसमें दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल करो, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करो, ठीक है। कंटिन्यू में अगर आप क्लिक करोगे तो इस टाइप दोस्तों क्लिक करते इस पेज पे आ जाओगे, तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल करो, इधर नाम वगैरह देख सकते हो दोस्तों। इसमें आप लोग को जो नाम वगैरह जो आपने भरा था वो आ चुका है। तो उसके बाद इसमें क्या भरना है दोस्तों, इसमें आप लोग को जो आपको सिख हो, साई हो, जो जो भी आप हो दोस्तों, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, जो भी हो दो भर दो, मैं इस्लाम हूँ इस्लाम भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो आप जिस भाषा में बातें करते हो, जो बिहारी हो, जो भी हो आप असामीस हो, बिहारी हो, बंगाली हो, अरुणाचली हो, या जो भी हो भर दो, मैं असामीस हूँ असामीस भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं भरना है, इसमें अपना फोटो दे देना है, जितना आपका फोटो का जो साइज़ है वो 5 KB से लेकर 20 KB के बीच तक आपका होना चाहिए। और दोस्तों जो आपका सिग्नेचर का साइज़ है वो 5 KB से लेकर 10 KB के बीच तक आपका सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। अगर वो दोनों भर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को सिंपली सा ये सेव कंटिन्यू का बटन जो है इसमें क्लिक करना है। इसमें मैं भर देता हूँ। तो दोस्तों मैं लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को, सब सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस करना। इसी टाइप की वीडियो आप लोग को हमेशा प्रोवाइड कराता रहूँगा दोस्तों। और दोस्त क्या हो गया, फिर से लॉगिन होने के लिए बोल रहा है, क्या हो गया, 4556583। ओके मैं फिर से लॉगिन हो लेता हूँ, क्या हो गया, ठीक है, फिर से लॉगिन होने के लिए बोला है, मैं फिर से लॉगिन हो जाता हूँ। तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ उसी पेज पे। दोस्तों इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि दोस्तों सर्वर कभी कभी जो सर्वर होता है वो प्रॉब्लम दिखा देता है, इसी की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं फिर से आ चुका हूँ उसी पेज पे, मैं आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ उसके बाद क्या स्टेप आता है। तो दोस्तों ये देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप आ चुका है और एक फॉर्म आ चुका है, इसको अभी फिल करना है दोस्तों। इसमें भरना है दोस्तों आपका जो हाउस नंबर है वो भर लीजिए, मैं एक डमी सा भर देता हूँ, जो भी मैं कुछ भी भर देता हूँ क्योंकि मैं ये फेक फिल कर रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है वो भर दीजिए दोस्तों। मैं इसमें मरीगांव भर देता हूँ, मरीगांव, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं मरीगांव भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो विलेज है वो भी भर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं विलेज भी भर चुका हूँ, सिटी भरने के लिए बोला है वो भी भर चुका, भरने वाला हूँ अभी। इसमें अपना सिटी भरना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें आप लोगों को जो पिन नंबर है, आपका जो पिन नंबर है वो पिन नंबर भरना है, आपका जो भी पिन है वो भरना है, 7 8 2 1 4 2। तो मेरा पिन ये है, पुलिस स्टेशन भरना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस भरना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो टेलीग्राम का कोई ऑफिस है वो भरना है दोस्तों, अगर नहीं है तो छोड़ दो दोस्तों। जो भी स्टार मार्क वाले हैं ना वो कंपलसरी है, वो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को बाकी की छोड़ सकते हो दोस्तों। अगर इसको भरने के बाद अगर दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, यानी कि दोस्तों आप जहाँ रहते हो या जहाँ घर है दोनों सेम है, तो उसको इसमें क्लिक करना है तो दोनों साइड में सेम हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग भर देना, जहाँ पर आप रहते हो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस भर देना है,
ठीक है, ये होने के बाद दोस्तों इस पर सेव और कंटिन्यू में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, ये इधर जो दिखाई दे रहा है सेव और कंटिन्यू का ऑप्शन, तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या आता है चलिए देखते हैं। मैं लाइव ही कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को हो सके ना वीडियो को शेयर कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है इस टाइप की वीडियो बनाने में दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है तो इसमें क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी में आप जब आप रैली में जाओगे तब भी आप लोगों को उसका बेनिफिट्स मिलेगा, अगर एनसीसी है उसका भी मिल जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो इसमें आप लोग को यस कर देना है। ठीक है, यस करते आप लोग को कुछ ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जैसे कि आपका स्टेट का कौन सा सर्टिफिकेट है, तो मैं भर देता हूँ मेरा मान लीजिए मेरे स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों उसने पूछा पोजीशन कौन सा है, कि आपका जो स्टेट का वाला का सर्टिफिकेट है उसमें आपका पोजीशन क्या है, फर्स्ट आया हो या सेकेंड आया हो या कौन सा पोजीशन है, तो मैंने फर्स्ट दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट और यस कर देना है, यस करने के बाद फटाफट से ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप लोग को भरना है कि आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी सी, तो मेरे पास बी है तो बी भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग को सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना चाहिए इसमें। ठीक है, तो दोस्तों मैं सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल, यानी कि जो भी अभी भरा है वो रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया, ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों और एक चीज़ आ गया है दोस्तों, इसमें आप लोग को जो भी आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सब भरना है। तो दोस्तों इसमें आप लोग को बहुत सारे कैंडिडेट का मन में क्वेश्चन भी होता है और डाउट भी होता है, तो दोस्तों इसीलिए इसको इस पार्ट को अच्छी तरह से देखना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले डाउट हो तो मुझे बोलना। उसको भरने के बाद इस टाइप से एक इंटरफेस खुलेगा, जो आपको पहले भरना है आपका आप कितना तक पढ़ाई की, पहले आपका टेंथ का भरना है। ठीक है, पहले टेंथ का भरना है, कौन सी स्टेट आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है टेंथ वो भरना है। उसके बाद आप कौन सी ईयर में आपने पास किया था वो भरना है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है, जो आपने एग्ज़ाम देते वक्त जो रोल आपका नंबर था उसमें भरना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भर के दिखा देता हूँ। उसके बाद ऐड करना है, ये इसमें ऐड कर देना है, भरने के बाद इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को भर के दिखा देता हूँ किस तरह से वो भर सकते हैं। वो मैंने आप जो बोला था वो भरने के बाद इस टाइप से आ जाएगा। तो इसमें पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें अपना सब्जेक्ट भरना है, जो अपने मेट्रिक का जो HSLC का जो सब्जेक्ट है वो भरना है। उसके बाद जो अपना जितना मार्क मिला था इंग्लिश में कितना मिला था वो भरना है। भरने के बाद आपको कितना आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 100 एंड आपको मान लीजिए 45 मिला था आउट ऑफ 100, वो भरने के बाद साइड में जो ऑप्शन दिखाई देता है वो एड न्यू रो, तो उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखिए आ चुका है, अभी मेरा 42 मिला है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो सेम प्रोसेसिंग सेम है, तो आप लोग फिर से जो सिलेक्ट है उसमें क्लिक कीजिए, सब्जेक्ट भरिए, मार्क भरिए। भरने के बाद मैं आप लोग को फटाफट भर के दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका कोई अदर सब्जेक्ट है, यानी कि आसामीज, बंगाली या कोई भी सब्जेक्ट है, तो अदर क्लिक कीजिए। अदर क्लिक करने के बाद इस टाइप से आएगा सब्जेक्ट न्यू, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो भर दीजिए। मेरा तो मान लीजिए आसामीज है, मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आसामीज जो इधर नहीं है जो, तो भरने के बाद जो मैंने असमीज में कितना मिला था, मैं डमी से भर देता हूँ, 65 मिला था आउट ऑफ 100, 100 में से 65 मुझे मिला था, तो मैं इसी टाइप से देता हूँ। तो उसके बाद आप ओके कर दीजिए, तो देखिए असमीज भी भर चुका है। देखिए ये सब लोग भरने के बाद, ये तो हो गए, ये सब आप देख लीजिए अच्छी तरह से कि अपना सब कुछ भर के भरा है कि नहीं। अभी तो मैंने 10 HSLC का भरा है, तो आपको अगर हाईस्ट क्वालिफिकेशन आपका सब कुछ भर सकते हैं, HS आप मेट्रिक का भर सकते हैं, 10+2 का भर सकते हैं, ग्रेजुएशन का भरता है, सब कुछ भर सकते। फिर से आप लोगों को इसमें क्लिक करना है, जो अभी आप लोग पहले 10 हो गया अभी 10+2 भरिए, उसके बाद आप जिस 10+2 भरिए तब से, उसके बाद आपका जो बोर्ड है वो भरिए, उसके बाद पासिंग ईयर भरिए, रोल नंबर भरिए, ऐड कर दीजिए, वो फॉर्मेट आ जाएगा। ये ऐड करने के बाद ये फॉर्मेट ठीक इसका नीचे आ जाएगा, तो सेम प्रोसेसिंग है, तो इसी टाइप से वो भी भर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर भरना है वो भी उसी टाइप से भर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, तो करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा। आने के बाद जो इधर जो दिखाई दे रहा है कंटिन्यू दिखाई दे रहा है ना, बैक एप्लीकेशन के नीचे कंटिन्यू बताने के ये आ जाएगा।
तो ये आने के बाद आपको जो नीचे आप लोग ठीक तरह से पढ़ लेना, अगर कोई भी गलती ना हो तो नीचे सब्सक्राइब कर देना, सॉरी सबमिट कर देना, उसके बाद जो ओके है उसमें क्लिक कर देना है। तो अभी लिखिए एप्लीकेशन सबमिटेड योर सक्सेसफुली। तो ये इतना वीडियो बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि अभी अप्लाई हो रहा है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्टों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, साइट बहुत डाउन हो गया है, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम का हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बन पाया है। तो उसके बाद ये करने के बाद ये करने के बाद आप लोग जो एफिडेविट होता है ना, वो एग्ज़ाम के वक्त ले जाना पड़ता है एफिडेविट, तो उसको किस तरह से आप लोग ये दिखाई दे रहा है एफिडेविट, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा, ये देखिए जो सोल्जर जनरल ड्यूटी दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका एफिडेविट आ चुका है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत बहुत मेहनत हो गया यार, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, क्या जानी बोली गए थे कि मैं कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।